धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जिन्होंने एक बुनियाद रखी थी और आज वो बुनियाद एक पेड़ की इमारत के रूप में हमारे सामने आ चुकी हैं। उनकी मेहनत रंग लाई है। 27 बच्चे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो UPSC में उन्होंने क्वालिफाई किया है। टोटल 51 बच्चे मुस्लिम जो हैं वो इस बार हुए हैं। 900 कुछ बचे रहे थे, 990 के आसपास, उनमें से 51 बच्चे मुस्लिम रहे थे। उसमें से 27 बच्चे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, उनसे जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो उनका आंकड़ा था वो 17 बच्चों का था और इस बार बहुत ऊंचाई पे गया है और 27 का वो आंकड़ा पहुंचा है। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाहता हूं, उनके पास पहुंचा हूं। आप भी सुनिए, देखिए क्या बताते हैं सर, और उससे सीखेंगे हम लोग भी, समझेंगे सर कैसे ये 27 वाला जो अचीवमेंट है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने हासिल किया। पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि 80 की दहाई में, 71 से लेकर के 80 तक, 1974-75 की बात है, उस वक्त तक मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उस ज़माने में वहाँ कोई तसव्वुर नहीं था सिविल सर्विस में बैठने का। अच्छा, कोई ख्याल में कुछ नहीं, जहन पूरे कैंपस में कहीं कुछ था ही नहीं जी। तो दिल्ली से सैयद हामिद साहब, चौधरी आरिफ साहब, चौधरी तैयब हुसैन, जनरल शाहनवाज जी, ये सब लोग वहाँ आए और आ करके उन्होंने वाइस चांसलर से कह करके उन्होंने कहा साहब हमें हर डिपार्टमेंट के टॉप 3 बच्चे दे दीजिए मेरिट के हिसाब से। तो हम लोग 40-50 लोग जमा किए गए कैनेडी हाउस में। वहाँ उन्होंने हमसे गुफ्तगुनीत की और हमसे ये कहा कि साहब आप लोग क्यों नहीं बैठते इम्तिहान, आप लोग बैठा करिए। तो हमने फिर गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की, मालूमात हुई, ये वो, और आखिर में फिर ये बच्चों ने तय किया कि साहब हमें बैठना चाहिए। तब से लोग बैठने बैठने लगे और फिर आने आने लगे, उसी में मैं भी था जी। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद से जहाँ जहाँ भी मैं पोस्टेड रहा मैं छुट्टी लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाता था और जामिया मिल्लिया जाता था और हॉस्टलों में इतवार के दिन बच्चों से जा करके बातचीत करके उनसे कहता था कि देखो इतना आसान है, बैठो। जहाँ जहाँ मुस्लिम कंसंट्रेशन था तो वो सिलसिला चलता रहा, उसमें खूब कामयाबियाँ मिली, उसकी वजह से बहुत कामयाब भी हुए। लेकिन जब सच्चर कमेटी से मेरा ताल्लुक जुड़ गया और पूरे मुल्क में घूम लिए हम और सब ज़मीनी सतह की सब आदात व शुमार सब हमने देख लिए और बदतर हालात नज़र, हाँ जी, सबसे ज़्यादा ख़राब हालात हैं मुसलमानों के, तो सारे हर फील्ड में, सोशल, इकनॉमिक, एजुकेशनल। और ये भी सच्चर रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी वजह यह है कि मुसलमानों का फ़ीसद, उनका तनासुब जो है वो उसमें हुक्मरानी में जी बहुत कम है। जो उनका परसेंटेज है 14% है मुसलमान जी, जो जनगणना है 2011 की उसके हिसाब से जी, तो उतना ही होने चाहिए लोकसभा असेंबली में और लोकल बॉडीज में, के करीब 77 के आसपास होने चाहिए और उतना लोकसभा में 77 होने चाहिए जी, उसी हिसाब से जो है असेंबली वगैरह में होने चाहिए, उसी हिसाब से सिविल सर्विस में होने चाहिए। लेकिन इन सब जगह बहुत कम है, मतलब 1/5 तक है समझ लीजिए आप। तो ज़्यादातर जो हुक्मरानी है 90% से ज़्यादा वो सिविल सर्विस की है, ये मैं खुद ही देख चुका और मुझे मालूम भी है। तो मैंने ये सोचा कि इस काम को इंडिविजुअली करने के बजाय अब उसको हम संस्थागत करें जी, इंस्टीट्यूशनली, इदारा साजी के साथ। तो फिर उसके फौरन ही बात ज़कात इसकी सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी नवंबर 2006 में जी, और 2007 में ही हमने कायम कर दी ज़कात फाउंडेशन। पहले से थी, 10 साल पहले से, लेकिन उसमें हमने एक नया इदारा कायम किया, सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज। अच्छा, सिविल सर्विस के लिए आपने एक अलग से इदारा कायम किया, अलग से इदारा कायम कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई 2007 से, यहाँ से शुरुआत हुई, यानी कि हम कहें 11 बरस का सफ़र हो चुका है जी। जी जी हाँ। और ये भी मैं आपको अर्ज करूँ कि ये भी आपके रीडर व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है कि इसका नाम हमने सर सैयद क्यों रखा जी। उसकी वजह खाली ये नहीं थी कि वो अलीगढ़ से हैं, हाँ मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो फाउंडर हैं जी, जी, जी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा, वो बहुत कम लोग जानते हैं। सर सैयद का सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई उन्होंने, उन्होंने एक पूरा मूवमेंट चलाया था, उसको कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट जी। उसमें बहुत सी चीज़ें थी, उसमें एक चीज़ ये थी
जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1887 में जी उन्होंने एक तंजीम कायम की थी, एक संस्था जी, उसका नाम था मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन। अच्छा, 1887 में बना दी थी सिविल सर्विसेज के लिए जी, मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन जी, फंड एसोसिएशन जी। तो उसमें 500 मेंबर बनाए और 500 मेंबर सब लोग 2 रुपये सालाना देते थे जी। वो रुपया काफ़ी होता था जिससे कि वो हर साल 15 बच्चों को जी इंग्लैंड भेजते थे ICS का इम्तिहान देने के लिए। तो वो विजन था उस आदमी का, वो तखय्युल था। क्या आगे चल के वो टूट गया सर क्या? हाँ, आई एम श्योर सूनर और लेटर टूट गया वो, ना तो अब तक चलता रहता वो जी। हाँ। फिर उसके बाद दोबारा आपने शुरुआत की है 80 की दहाई के बाद? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सैयद हामिद साहब और हकीम अब्दुल हमीद साहब को अल्लाह मियां दर्जात बुलंद करे जन्नत में, उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन में हमदर्द मेडिकल हमदर्द सेंटर कायम किया, हमदर्द स्टडी सेंटर जी वो कायम किया। वो तो करीब 1991 में ही कर दिया था उन्होंने और वो खूब कामयाबी से चला भी, अभी भी कायम है वो जी। उसमें ये था कि उन्होंने 50 कमरे बेहतरीन और वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल, सब्सिडाइज खाना, ये सब चीज़ें। लेकिन जो प्रोफेशनल कोचिंग होती है, जो प्रोफेशनल कोचिंग प्राइवेटली रन कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में जहाँ की खुद की जो स्टैटिस्टिकल सक्सेस रेट है वो हाईएस्ट है इंडिया में, उस तरह की कोचिंग का बाकायदा इंतजाम नहीं था। फिर मैंने ये सोचा, मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर तो दिया, उनका काम कर दिया और जो बेहतरीन बच्चे सेलेक्ट करके आते थे कामयाब भी होते थे। लेकिन वो नंबर तो एक तरह से बढ़ता रहा लेकिन परसेंटेज कायम रही। ऐसे जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो 11 बच्चे थे कुल जी, जी। तो अब यानी लेकिन ये कि टोटल जो बच्चे थे, टोटल पूरे इंडिया में सब लोग जो सेलेक्ट हुए थे मेरे साल में, वो 450 थे। अच्छा, अब होते हैं उसका दुगना 1100। तो नंबर तो मुस्तकिल बढ़ते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमदर्द की वजह से हुआ कि परसेंटेज कायम रही, मुसलमानों का नंबर भी बढ़ता रहा लेकिन परसेंटेज कायम रही, परसेंटेज घटी नहीं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जी। तो अब ये हुआ कि भाई हमने ये कहा कि ज़कात फाउंडेशन में कुछ मॉडल में चेंज करें ताकि इम्प्रूवमेंट आए। तो फिर ये किया कि हम अपनी कोचिंग नहीं देंगे, कुछ रहने का इंतज़ाम होगा, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन कोचिंग जो है वो उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करवा दें जहाँ के बच्चे कामयाब होते हैं। अच्छा, जहाँ जो नामचीन इदारे हैं, जितने भी संस्थाएं हैं प्रोफेशनल, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराएं। उसी में आपको ये अर्ज करूँ कि दिल्ली पूरे इंडिया में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सिविल सर्विसेज के, उनमें जो सबसे कामयाब तरीन हैं वो सब दिल्ली में हैं जी। तो दिल्ली में इसीलिए हमने अपने हॉस्टल बना दिए लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, और जो बेहतरीन बच्चे हर साल सेलेक्ट किए मुख्तलिफ जगह हमारे इम्तिहान होते हैं। एक बात और अर्ज़ करूँ आपको जो कि अब काम ला रही है एक चीज़, वो ये है कि हमने पिछले 10 साल के अंदर पूरे मुल्क में 33 मुकामात पे 33 स्टेट अलग अलग सूबों में अलग अलग ज़िलों में 33 जगहों पर हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स मैंने खुद किए हैं, ठीक है, जिसमें एक एक घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जी, और उसमें काबिल अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड कभी कभी और कम बच्चों नीचे के लेवल के बच्चों को, लेकिन काबिल तरीन काउंसलिंग नहीं, उनको समझाना बुझाना बताना कि सिविल सर्विस में जाने की क्या ज़रूरत है और उससे क्या फ़ायदे हैं और सिविल सर्विस में जाना कितना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है और कितना आसान है, आसान है ये कितना आसान है ये भी, उसके लिए सिस्टमेटिक हार्ड वर्क करिए आप, ठीक है। मुकाबले अगर मैं अभी ये समझूँ सर कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो जो है रहने और खाने पीने तमाम चीज़ें की सुविधा देती है, कोचिंग का जो है वो बच्चे को खुद करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, इसका उल्टा है। कोचिंग ही में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। अच्छा, हाँ, एक बच्चे के ऊपर 2 लाख के करीब फीस ज़कात फाउंडेशन देता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, वो है सबसे असली चीज़। बाकी हमने क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर दिया, ठीक है, हॉस्टल हमारा, पंखा बिजली ठीक है, सब चीज़ हमारी, किचन हमारा और किचन में कुक हमारा, कुक का असिस्टेंट, मेंटेनेंस स्टाफ और कुक में फुल इक्विपमेंट,
फ्रिज व्रिज सब चीज़, हाँ वो तमाम सुविधाएं सब छ, लेकिन बच्चों में से ही एक को मॉनिटर बना करके उनसे कहते हैं भाई अपने पैसे जमा करो और सब्जी मंगाओ, जो मंगाना मंगा के रोज बनवाओ, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। यानी कि रहना भी हुआ और बच्चों को जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहीं से कोचिंग दिलाई, ये इसीलिए 27 का आंकड़ा पहुँच रहा है। हाँ देखिए ऐसा है कि इसमें किसी एक चीज़ को आप नहीं कह सकते, ये भी मैं आपको अर्ज करूँ कि हम तजुर्बात से सीखते रहें, 10 साल के अंदर तरह तरह के तजुर्बे किए और सीखते रहें उससे हम। तो एक जैसे तजुर्बा ये हुआ कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम 50 बच्चों को बिठाएं और उसमें से जो हैं सब आ जाएं, तो उस जाहिर है ऑल इंडिया सक्सेस रेट तो बहुत कम है उस हिसाब से, क्योंकि हम बेहतरीन बच्चों को देते हैं, बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं, बेहतरीन मॉनिटरिंग करते हैं, इस वजह से सक्सेस रेट ठीक है अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो ऑल इंडिया प्रेजेंस है मुस्लिम कम्युनिटी की वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अभी भी इतना करने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए कि 14% हमारी पॉपुलेशन है सर। वो तो पॉपुलेशन, आपका आंकड़ा आपके संस्थान के पास जो है वो कितना है, कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, क्या रहा है इस साल का? अगर हम बात करें 2017 का जो रिजल्ट आया है जिसमें 27 बच्चे हैं, 27 में लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, यूपी के कितने हैं और किस जगह के कितने हैं, कुछ ऐसा बता पाए? हाँ वैसे देखिए इस साल जो हमने इंटरव्यू की तैयारी करवा करके एक एक बच्चे को 3-3 बार इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं और बहुत सख्त इंटरव्यू होता है और बाद में उसकी डीब्रीफिंग होती है, इंडिविजुअल अलग कलेक्टिव अलग। तो और बच्चे ये कहते हैं जो इम्तिहान दे के आते हैं CBSE के जो इंटरव्यू दे के लौटते हैं फिर हमारे पास, वो कहते हैं कि आपका बहुत मुश्किल था, उनका आसान था, तो इतनी ज़्यादा उनकी मजाई हो जाती है। वो उसमें हमने जिन बच्चों को तैयार किया था उनकी फिगर 48 थी, ठीक है, जो कि इसमें इंटरव्यू में, तो उसमें से जो से सिलेक्ट हुए हैं 27, पहले 26 था, लेकिन बाद में एक बच्ची जो है वो 2014-15 में हमारी ZFIFLO थी, पूरी कोचिंग वोचिंग करके गई थी, वो इस साल सेलेक्ट हो गई, तो वो उसको भी जोड़ ले 27 हो गए। तो इसमें ये पोजिशन है कि 48 में से 27 आए, बल्कि 49 हो गए, एक बच्ची जुड़ गई 49 में से आए, और उसके अलावा ये कि उसमें से जो बच्चियां हैं वो बहुत कम हैं। कितनी हैं? 2 हैं, 3 बच्चियां हैं। वैसे 51 में टोटल 11 ही बच्चियां आई हैं जो 51 का, लेकिन मैं आपको ये भी अर्ज करूँ उसकी उसमें भी आपके माध्यम से मैं पूरी कम्युनिटी से और पूरे मुल्क से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि काबिल बच्चियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो भी जायज है शायद। मैं मेरे यहाँ भी आपने सचर कमेटी में खुद शामिल रहे हैं, आप सब जानते हैं क्या हालात हैं सर, वो लेकिन नहीं आपसे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो बच्चे काबिल है उसको और हमारे इम्तिहान में बैठे ज़रूर और हमारे यहाँ अगर वो सिलेक्ट हो जाती है जी, तो उसको बिल्कुल बाप की तरह रखना वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी। 27 बच्चों में जो मेरा सवाल था, पूरे इंडिया से कहाँ के कितने बच्चे हैं सर? वो देखिए अभी से हमेशा तो कश्मीर के सबसे ज़्यादा आते हैं और केरला के ज़्यादा आते हैं, तो अबकी से यूपी के सबसे ज़्यादा आए हैं, हमारे 8 बच्चे यूपी के हैं, 27 में से 8 बच्चे 8 बच्चे यूपी के हैं और 6 बच्चे केरला के हैं और 3 कश्मीर के हैं, ठीक है, बाकी दो एक स्टेट से हैं। ये 27 वाला आंकड़ा तो पहली बार छुआ है ज़कात फाउंडेशन जी यकीनन। इससे पहले 2016 का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा था? वो भी 17 था, वो बहुत अच्छा था। 2015 में हाँ तो 2015 में भी 17 बच्चे थे, उसमें भी 15-17 बच्चे थे, उसके पहले 14 थे, इस तरह से शुरुआत में तो जाहिर है कम थे। तो इस तरह से चूँकि स्लोली ही प्रोग्रेस होनी भी चाहिए जी। तो वो चूँकि मैंने आपको अर्ज़ किया कि पूरे मुल्क में घूम करके और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करके उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर करके, सिलेक्शन प्रोसीजर भी 6-7 जगह होता है हमारा, और नवंबर से हमारा वो खुल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जी। उसमें फिर छटनी होती है इस बेसिस के ऊपर कि हमारे कुछ रूल्स हैं
मसलन अगर टेक्निकल ग्रेजुएट है तब ठीक है, वरना पोस्ट ग्रेजुएट हो। अच्छा अच्छा। अगर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट है तो उसको हम छांट देंगे। इस तरह से उम्र कभी है। कितने ऐसे बच्चे आते हैं जो आप छांट पाते हैं? हजारों एप्लीकेशन आती होंगी। हाँ, बहुत आती हैं। और लेकिन ये कि हर जगह अलग अलग फिगर होती है। हमारे 6-7 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं हर एक जगह। कहाँ कहाँ है कुछ बता? दिल्ली में है, दिल्ली में है और श्रीनगर में है, मलापुरम है, कोलकाता है, लखनऊ है, भोपाल है। और भी हम चाहते हैं कि हर जगह होना। तो देखिए अगर वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, इन सब जगह के लोगों ने सपोर्ट किया हमें, ये मैं आपको बता दूँ, सबकी जगह के लोकल लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसी वजह से होता है। वक्त की थोड़ी कमी है तो, लेकिन फ़िलहाल बताना यही था कि जो सफ़र शुरू किया था 2007 में एक सोच के साथ, हालांकि वो सफ़र शुरू किया डॉक्टर साहब ने 80 के दशक में, जब वो खुद चुने गए उन्होंने फिर वो शुरुआत की और हर छुट्टी के दिनों में जाते रहे, MU और जामिया सब लोगों को समझाते रहे। आज वो आंकड़ा 27 तक पहुँचा है और उम्मीद है वो अगले साल भी और बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा। अभी देश के 6 शहरों में वो तमाम तरीके की ये चीज़ें चला रहे हैं अपने, और आगे जो भी बातचीत होगी आपको फिर हो सकता है, जितनी वो बच्चे हैं कैंडिडेट हैं अगर कभी मौका मिला तो उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अक्रम रईस खान धाकड़ खबर के लिए।